इम्प्रूवमेंट कर देंगे, पॉन्ड में फाउंटेन वगैरह लगा देंगे, लाइटें लगा देंगे, बेंचेस लग जाएंगे, इट विल बी अ गुड है आपके पास। आप सोच रहे हो 10 फुट बहुत होता है, 10 फुट में तो आराम से हो जाएगा, बेंच लग जाएंगे, पॉन्ड को ब्यूटीफाई कर देंगे अंदर से। सर मान लो अगर ये वाला एरिया अगर एक साइड से हम बढ़ा के उसको 10-15-16 कर ले और साइडों वालों को थोड़ा कम कर लेंगे, एक जगह थोड़ा बैठेंगे थोड़ा ज़्यादा योगा वगैरह थोड़ा बहुत। ठीक है मैं समझ गया, एक काम करते हैं योगा वाले भी, आप एक काम करते हैं, ये सरकारी जमीन है ना ये? हाँ जी सरकार। सर ऐसा है कि सबसे पहले तो हम डिप्टी कमिश्नर साहब के मीनार जी का धन्यवाद करते हैं कि लोगों को एक रिक्वेस्ट पे वो हमारे बाढ़ में जो इशू आ रहा था कि हमने बड़ी देर पहले एक डिमांड पुट की थी कि जो शिवानगर में एजुकेशन बोर्ड वाली लेन है उसके साथ एक बड़ा पुराना हम वहाँ पे खाली लैंड पड़ी थी, तो एक ना बड़ी देर से गंदगी का घर बना हुआ था, तो डंपिंग साइट बनी हुई थी, तो हमने बड़ी देर से मेरा प्रयास था कि वहाँ पर एक सुंदर सा पार्क डेवलप किया जाए ताकि लोगों को आसपास की जो लोकेलिटी के लोग हैं उसका फ़ायदा ले सकें। और सबसे बड़ी बात है कि हम देख रहे हैं कि उसकी वजह से कई सारी बीमारियां लोगों को वहां आसपास फैल रही थी और लोगों की बड़ी डिमांड थी कि वो वहां से कूड़ा हटे और वहां पे एक अच्छा पार्क टाइप एक डेवलप हो, तो उसी को लेकर हमने 2016 से जब मैं जैसे पार्षद बना उसके बाद हमने एक प्रयास निरंतर प्रयास रखा और पिछले साल उसके फंड्स आए हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल उसमें इशू आ रहा था कि साइट में कुछ इशू आ रहा था, तो फिर एक दिन हम पूरा डेपुटेशन हमारे बाढ़ का डी सी साहब के पास गया था, तो आज डी सी साहब पर्सनली यहाँ पे विजिट करने आए हैं, उन्होंने कंसर्न डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दे दी हैं कि यहाँ पे एक अच्छा सा पार्क बनाइए ताकि लोगों को उसकी सुविधा हो। तो मैं कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में लोगों को उस शिवानगर में उसके पास एजुकेशन बोर्ड के पास एक अच्छा पार्क मिलने जा रहा है, तो एक बार मैं अपनी तरफ से अपने लोगों की तरफ से डी सी साहब का द्वारा से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद। राहुल जी क्या देखते हैं, जब से डी सी कठुआ ने जो है म्यूनसिपल काउंसिल कठुआ की अब वो कार्यभार संभाल रहे हैं, तो विकास की गति में क्या तेजी हुई है या नहीं हुई है? सर ऐसा है कि अभी जस्ट दो ही महीने डेढ़ दो महीने हुए हैं, तो फंड्स का भी कहीं ना कहीं जो फंड्स की अवेलेबिलिटी रहती है वो मार्च में प्लान बनते हैं, अप्रैल ये अपने फैब में प्लान बनते हैं, तो जो प्लान होंगे उसके अकॉर्डिंग फंड्स मंगवाए जाएंगे, तो क्योंकि डेवलपमेंट अभी जो लास्ट स्टेज है उसके बाद हमें उम्मीद है कि डी सी साहब कठुआ में अच्छा काम कर रहे हैं, हमें भी उम्मीद है, जो हमने एक मुहिम शुरू की थी कि लोगों को सेवा पार्षद बन के, वही मुहिम डी सी साहब के साथ मिलकर हम आगे चलाएंगे, तो काम रही काम की बात, तो काम हमें यकीन है कि डी सी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन में काम होंगे। अभी भी अंदर लोग बैठे हैं, वो आपको समस्याएं सुना रहे हैं, तो उनका वो किस तरह से उनका निवारण करेंगे? सर कोई ना कोई समस्या लोगों को रहती है, काफ़ी बड़ा एरिया है, लगभग 1300-1400 घर है, 5000 के करीब पॉपुलेशन है, तो लोगों की समस्या रहती है, पीएचसी की समस्या है कि प्रॉपर सैनिटेशन का इशू आ रहा है, और भी लाइट्स काफ़ी देर से ठीक नहीं हुई है वार्ड में 5-6 महीने से, तो ये सारी चीज़ें हमने डी साहब के सामने पुट की हैं, तो डी साहब का भी आश्वासन था कि जल्दी इसको टेकअप करके हम लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे।